गल आ गई है कि दुनिया के लोग जादू टूने का भरम बड़ा मानते ने, ते तकरीबन किन्ने भी लोग आप मिल लीए वह कहे भाई साहब जादू टूने होंगे हैं, लोग कर देंगे ने, लोग करके मार देंगे ने, ऐसे भरमां बड़े ही लोग पे मिलते हैं। पर मैं गुरबाणी दी कुछ पंक्तियां आप जी सामने रखा, उस तो पहला मैं एक आप जी ना कुछ विचार अर्ज करा कि हिंदू इतिहास आप वेखते हाँ कि उन्हां विच राम जी बहुत उच्चे अवतारी पुरख होए। जे मंत्रा ना गल बननी होंगी तो जब रावण सीता नू लै जांदा है, रावण नू मारन वास्ते राम नू फौज इकट्ठी करनी पैंदी है और जाके युद्ध करके ही सीता नू लिआउणा पैंदा, कोई मंत्र ना नहीं लियाया जा सकता क्योंकि सब तो उत्ते ते राम सी हिंदू मत विच। ते जे मंत्रा ना गल बननी हुंदी फिर युद्ध की लोड़ की सी। ते जे आपां मुसलमाना दा इतिहास पढ़दे हाँ कि जे काले इलम ना फलानी चीज़ ना कुछ हो जाना हुंदा ते मुहम्मद साहब सब तो वड्डे पैगंबर मन्ने गए ने, ते उन्हां दे विच उन्हां भी जद मक्के दे विच आए उन्होंने उत्थों दियां मूर्तियां चुकनियां चाहियां तो उत्थों दे लोकां ने उन्हां नूं उत्थों भजा दिता। फिर मुहम्मद साहब ने तगड़ी फौज इकट्ठी करके फिर हमला किया तो मक्के दे विच आए। कहन दा भाव कि हर एक भावें कोई मुसलमान अवतारी पुरख होवे भावें हिंदुआं दा होवे, युद्ध दी लोड़ पई ते युद्ध करना पिया, कोई धागे तवीत किसे नाल कम नहीं आए। और गुरु नानक देव जी महाराज गुरबाणी विच फरमाउंदे हन कि जदों ऐमनाबाद विच बाबर आया चढ़ के ते उत्थों दे जिहड़े पठान सन उन्हां नूं मौलवियां ने ते पंडतां ने कहता कि असीं जादू टूने कर देवांगे, मंत्र पढ़ देवांगे, सारी फौज अन्नी हो जाएगी, सारी फौज अन्नी हो जाएगी, बाबर दी फौज अन्नी हो जाएगी, बाबर अन्ना हो जाएगा ते वापस चला जाएगा, तुहानू कोई लड़न दी लोड़ नहीं। और पठान बड़े खुश कि बिना लड़ाई तो ही आपां जित जाणा है। उन्होंने मौलवियां नूं धन देता, पंडतां नूं धन देता, पर होया इस तो उल्ट। बाबर आया, उसने अपनी कुरबान चलाई ते ऐमनाबाद नूं लुट लिया गया। गुरु साहब जी कहिंदे कोटी हू पीर वज राहे जा मीर सुनिया धाया। जदों मीर सुनिया धाया, बाबर नूं सुनिया धाया ते पीरां नूं इकट्ठे कर लिया और उन्हें कहता असीं मंत्र पढ़ देवांगे। थान मुकाम जले बिज मंदर मुछ मुछ कोई रुलाया, कोई मुगल ना हुआ अंधा, कोई मुगल अन्ना नहीं होया, किने ना परचा लाया, मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग वगाई, उन्नी तपक ताड़ चलाई, उन्नी हस्त चढ़ाई। हुण मुगल जेड़े सन ओ अपनी फौज विच हा जिन्ने भी शास्त्र सन, बंदूकां सन, कुरबाना सन, वह चमका के आए सन। तो इधर पठान वह बैठे सन कि पंडतां ने मौलवियां ने कुछ कर देना है, तो याद रखियो उन्हें अपनी कुरबाना भी तिखियां नहीं कीतियां। तो गुरु साहब जी कहिंदे वह हाथ विच ही चल गई, जो लोड़ पई उदों चलिया नहीं। कहन दा भाव गुरमुख प्यारिओ, जे जादू टूणियां नाल कुछ हो जाणा हुंदा ते दुनिया दे विच फिर की लोड़ सी फौज दी। इहदे इक वहम है, भरम है, और याद रखियो जिहदे अंदर भरम पै जांदा कढ़िया भी नहीं जांदा। ये नहीं कि उहदे अंदरों आपां भरम कढ देवांगे, बड़े लोग मिलदे सानू कर दिता, सानू किसी ने दे दिता कुछ, एक भरम है। और भरम जदों किसी मनुख नूं पै जांदा है ना, वो इस तरह महसूस करदा वाकया उसनूं कर दिता, तो भरम दे विच ही मर जांदा है। गुरु साहब जी गुरबाणी पढ़ते हैं, भाई मत कोई जानो किसी के किस हाथ है, सब करे कराया, जरा मरा ताप सिर्फ सब हर कै बस है, कोई लाग ना सके बिन हर का लाए। बिना हरी तो कोई किसे नूं कुछ नहीं ला सकता, बिना हरी तो किसे नूं कुछ नहीं कर सकता। पर साडे लोग ते कहिंदे ने कि कुछ कर देवेगा, फलाने ने कीता, फलाने ने गुआंढण ने कीता, लोकां विच भैन भरावां विच झगड़े बाबियां ने पा दित्ते, जिस कोल क्योंकि लोकां दा सुभाअ है बाबे खटियां कोल जाणा,
और पखंडी बाबे की करते हैं तेरे आण किदा तेरे गुआढ़ी ने किया सारी उम्र उन्होंने वैर बना के रख देंगे। उन्होंने धन ढाडे को लैना तू महमा भरमा में पाना है और तुम कहते हो सानू किया है तो गुरबाणी पढ़ वाले हो हे गुरमुख सिखो याद रखियो दुनिया का कोई धागा तवीत नहीं होंदा ना किसी नू कोई कर सकता है कि गुरबाणी नू ध्यान नाल पढ़ लो। गुरबाणी नू बड़े प्यार नाल पढ़ो इहदे विच हर गल मिल जाएगी। जिहड़ा गुरु नानक देव जी कहिंदे ए जिहड़े पठान सन जे वक्त ते लड़दे हथियार सिद्धे करदे इन्हां दी फतेह हो जाणी सी पर ये मौलवियां पिछे लग के अपने आप का बेड़ा ही गर्क कर गए।